तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में व्यापार और व्यापार को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी गंभीरता से चर्चा शुरू हुई है और इसमें दो प्रमुख कदम अभी हाल में तय किए गए हैं। एक तो ये है कि भारत और रूस के जो सेंट्रल बैंक्स के जो अधिकारी हैं वो आपस में बैठ करके ये तय करेंगे कि पेमेंट सिस्टम जो है वो कैसे होगा डॉलर को छोड़ के। ये बहुत बड़ी एक निर्णय है दोनों देशों का कि डॉलर को छोड़ करके वो जो हैं वो आपस में व्यापार करना चाहते हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि भारत जो है वो रुपए में जो है वो पेमेंट करना चाहता है, और चूंकि रूबल में जो है काफ़ी फ्लक्चुएशन है फिलहाल, पश्चिमी सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। और दूसरी जो बड़ी घटना है वो ये है, अभी इस पर कुछ बात तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों सेंट्रल बैंक्स के अधिकारी अगर आपस में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि बात जो है सरकारी स्तर से जो है उनको आदेशित किया गया है कि जो है इस मामले को आगे बढ़ाना है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि ईरान के थ्रू जो है भारत और रूस ने जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जो है एक्टिवेट कर दिया है, और पहली खेप जो है इस रास्ते की वो जो है वो उसको टेस्ट किया जा चुका है ईरान के माध्यम से। ईरान के विदेश मंत्री भी हाल में जो है वो भारत के दौरे पर थे, और उसके बाद ही उनके लौटने के बाद ही ये सूचना आई कि जो है जो पहली खेप है एक टेस्ट जो राइड है वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मुंबई तक की यात्रा जो है तकरीबन 25 दिन का जो है ये जो है टोटल यात्रा होगी कमोडिटीज़ की। और इससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है भारत और रूस के बीच में ईरान को इंक्लूड करते हुए और सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों को इंक्लूड करते हुए सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों को इंक्लूड करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर जो है ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। तो एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि भारत ने जो है बहुत मास्टर स्ट्रोक चला है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ जो है ट्रेड $100 बिलियन के आसपास जा चुका है और आगे बढ़ने की उम्मीद है अमेरिका और पश्चिमी देशों से, अभी हाल में जो है गल्फ़ के देशों से जो है गल्फ़ के देशों में एक जो है UAE वहाँ पर जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है। इसके अलावा जो है यूरोप से जो है कुछ वार्ता इस प्रकार की शुरू हुई है, और अब जो है ये दूसरा मामला है कि रूस के माध्यम से जो है पूरे सेंट्रल एशिया में जो सामान का आवागमन है निर्बाध रूप से जो है जारी रखने की बात। और ये भी याद रखने की बात होगी कि अगर भारत तक सामान पहुंचेगा तो आसियान को कनेक्टिविटी हम ही दे पाएंगे रूस और सेंट्रल एशिया तक, तो आसियान भी जो है वो हमारे नज़दीक आएगा और काफ़ी जो है हमारा आपस में व्यापार और हमारा आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें एक बात ये भी है कि म्यांमार को लेकर के जो है आसियान और अमेरिका का दबाव और भारत भी जो है वो काफ़ी, क्योंकि म्यांमार जो है सैनिक शासन में है फिलहाल, तो भारत तो उससे एंगेज करना चाहता है लेकिन अमेरिका का दबाव है कि जो है म्यांमार को जो है इस सब में शामिल ना किया जाए, विशेष तौर पर तब भी क्योंकि म्यांमार जो है वो चीन के ज़्यादा नज़दीक समझा जाता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग घटनाक्रम हुआ है वो ये कि म्यांमार ने भी जो है वो जो रशिया का मिर सिस्टम है जिसमें कि जो है पेमेंट सिस्टम जो होता है उससे जुड़ने की ख्वाहिश उसने जताई है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यांमार भी जो है वो रूस का व्यापार बढ़ाना चाहता है, और अगर ऐसा वो करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के रास्ते और ईरान के रास्ते जो है सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने का रास्ता जो है काफ़ी उसके लिए आसान होगा। तो पूरे आसियान को लेकर के मालदीव, श्रीलंका, इवन अफ्रीका तक, गल्फ तक जो है ईरान के माध्यम से जो है भारत बहुत तेज़ी से जो है एक नोडल पॉइंट, एक हब बन सकता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है।